हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है महानस। इस दुनिया में जैसे अभी रह सकते हैं, कोविड की दुनिया में वैसे रह रहे हैं, फर्स्ट क्लास। आप बताइए, हाउ थिंग्स विद यू? बहुत बढ़िया सर। आई थिंक इन दिनों में जितने भी इंटरव्यूज कर रहा हूँ उसमें घूम फिर के डिस्कशन कहीं ना कहीं इस जगह पे पहुंच जाता है कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत आइडियल तो नहीं है जो हम फेस कर रहे हैं, पर इसके पॉजिटिव्स क्या है कुछ अगर हम पॉजिटिव देखें। और इस वाले केस में शायद पॉजिटिव यही है कि मैं पहली बार शायद आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो हमारी बात हो रही है, ये भी एक पॉजिटिव है अपने आप में। Absolutely. So, वे तो मानस वैसा ही है, आधा गिलास खाली देखना है कि आधा गिलास भरा हुआ। So, I think अभी हम भरा हुआ देख लेते हैं। It's good to finally meet you. कई बार आपसे मेल्स एक्सचेंज हुई शायद आपसे, बट कभी आपसे मिलना नहीं हुआ। So, good कि finally मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे ही सही। आप कहीं ना कहीं आपको इंकरेजमेंट की जरूरत होती होगी, तो कैसे खुद को मोटिवेटेड रख रहे हैं इस समय? आई थिंक काफी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मानस, आई मस्ट से दिस। I have a quote for this. मतलब मैं, I think as an entrepreneur, as a CEO of an organization, सबसे बड़ा चैलेंज और कुछ भी नहीं है ना। मतलब people will say कि सबसे बड़ा चैलेंज शायद funds हैं या कुछ भी और हो सकता है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज सेल्फ मोटिवेशन ही होता है, क्योंकि अगर आप खुद मोटिवेटेड हैं, आप खुद फोकस है, तो आप बाकी सब कुछ मैनेज कर लेंगे। वो नॉर्मल दिनों में भी यही चैलेंज रहता है, बिकॉज नॉर्मल दिनों में भी बिजनेस अप एंड डाउन होता रहता है, क्लोजिंग्स होती हैं, प्रेशर्स होते हैं, कुछ होता है। बट सो आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट थिंग, एंड वो आज के दिनों में तो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है, बिकॉज अब आपको खुद भी मोटिवेट रहना है, फैमिली को भी रखना है, और घर और अपने सारे एम्प्लॉयज को भी रखना है। सो आई थिंक डिफरेंट ट्रिक्स एंड मेथड्स एवरीवन अडॉप्ट। I try to talk to myself quite a bit. I always try to, in these tough times, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि so-called मेरा me time थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है अभी। So then आपको लगता है कि आप, you know, you look at the bigger picture and then लगता है कि ठीक है, ये passing phase है, and then शायद इसमें भी कुछ भला हो, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि हर चीज़ में कुछ भला होता है, तो शायद इसमें भी कुछ भला हो, हम उसी को capitalize कर रहे हैं। In terms of business, कि आपके जो warehouses थे, आपके employees थे, वहाँ पे क्या effect रहा है इसका? वेयर हाउसेज तो आपको जैसे बताया हमने, वो सब क्लोज हैं। हमारे सात वेयर हाउसेज थे क्रॉस इंडिया, तो वो सब क्लोज डाउन है, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट बाकी एम्प्लॉयज पे मिक्स है। देखिए, काफी काफी वर्टिकल्स हैं, जैसे हमारा सेल्स वर्टिकल था, वो सेल्स टीम जो थी या लॉजिस्टिक्स टीम थी या वेयर हाउसिंग की जो टीम थी, वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अभी घर पे ही हैं। दे आर लाइक जस्ट डूइंग नथिंग, मतलब वी कैन कॉल देम वर्क फ्रॉम होम, बट प्रैक्टिकली देयर इज नो वर्क फ्रॉम देम, क्योंकि मूवमेंट होगी तो वो कुछ करेंगे, वो सब मैनेज करेंगे। तो वो टीम काफी इस टाइम बिल्कुल काम नहीं कर पा रही है। बट आपकी जो हमारी जो बाकी टीम है, जैसे फाइनेंस साइड है, टीम है, आजकल की जिंदगी में आपका सारा टाइम कभी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग्स, कभी एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ मीटिंग, घर आए तो घर की कमिटमेंट्स एंड टाइम फ्रेम। तो मी टाइम में है कि मिनिमम मैं अपने आप के लिए कुछ अलग से टाइम निकाल पा रहा हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा सोच पा रहा हूँ कि मुझे क्या और मैं कर सकता हूँ। सो ऑनेस्टली, जब ये ऑफिस की भागदौड़ रहती है तो इसमें समय नहीं मिलता कि आप कुछ स्ट्रैटेजिक सोच पाएं, कुछ आगे का सोच पाएं। वो टिपिकली वो 9 to 6, 9 to 8 वही चलता रहता है जिंदगी में। सो आई थिंक ये टाइम जो मेरे को काफ़ी हेल्प कर रहा है, वो ये है कि आई कैन स्ट्रैटेजाइज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ company, about the products, and I'm reading a bit, so I can, मैं सोच रहा हूँ कि technology आगे कैसे change हो रही है, कैसे हम उसको और advantage उठा पाएंगे, हमें team की structuring कैसे करनी चाहिए, क्या हम, there is a way कि हम इन same resources को better utilize कर सकते हैं, team की motivation को कैसे manage करना चाहिए। तो I think वो मेरे को meeting काफी मदद कर रहा है। और products के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या, आप किस चीज़ पे work कर रहे थे जब ये पूरी तरह से आपका ऑपरेशंस एक तरह से या वे ऑफ वर्किंग चेंज करना पड़ा, चीजें रुक गई, कौन से प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा था? सी, सो हम लोग हम टिपिकली हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होम ऑडियो एंड पर्सनल ऑडियो। तो पर्सनल ऑडियो में ये सब ईयरफोन्स, हेडफोन्स, चाहे वो वायर्ड हैं, चाहे वो ब्लूटूथ हैं, वो सब आते हैं। एंड होम ऑडियो में साउंड बार्स, मल्टीमीडिया स्पीकर्स,
ये सब चीजें हम उसको उस कैटेगरी में लेके आते हैं. तो अभी हम लोग जो जब ये खत्म हुआ, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला था, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग चल रही थी हमारी. उसमें दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी जो निकल के आ रही थी. वन इज की टेक्नोलॉजी इज मूविंग टुवर्ड्स वॉइस कमांड की तरफ, जैसे कि अलेक्सा की तरफ. सो गूगल एंड सिरी तो इनेबल्ड है प्रोडक्ट में, हमने वो कर लिया था स्टेप, बट क्या हम अलेक्सा इनेबल्ड प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्या हम अलेक्सा इनेबल्ड इकोसिस्टम को ज्वाइन इन कर सकते हैं? बिकॉज हमारे को ये लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो आपके ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं, टिपिकली अलेक्सा के इकोसिस्टम के लिए कमांड देने के लिए यही यूज होंगे. अगर आपको अपने फ्रिज चलाना है, टीवी चलाना है, जो भी चलाना है आपको अलेक्सा इनेबल्ड, आप कमांड अपने हेडफोन से, अपने ब्लूटूथ स्पीकर से देना चाहेंगे. सो क्योंकि इसमें माइक है, तो आप हर बाकी सब डिवाइसेस में माइक नहीं होता है. तो हम लोग उसके ऊपर काफी काम कर रहे थे कि अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को कैसे रीबिल्ड करें इसके अराउंड सराउंडिंग में. सेकेंडली हम लोग होम ऑडियो पे थोड़ा सा और फोकस करना चाहते थे. साउंड बार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एलईडी टीवीज, ये काफी बिग टाइम मार्केट इज ग्रोइंग. तो टिपिकली हर टीवी में एक ही द बिगर फैक्टर इज कि कितना पतला उसको कर सकते हैं, कितना स्लिम कर सकते हैं उसको. तो दैट मींस द फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज उसके बाद जो आता है वो है कि साउंड पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है टीवी में. द रेजोल्यूशन विल बी ग्रेट, एवरीथिंग विल बी ऑसम, बट साउंड विल फॉर श्योर विल बी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज. तो उसके लिए साउंड बार की मार्केट इज रियली डूइंग गुड, एंड वी वॉन्टेड टू यू नो प्रोडक्ट इंक्रीज अवर पोर्टफोलियो देयर. And globally, we did some analysis and we realized that tower market is coming back again, which was like काफी कम हो गई थी. तो हम लोग home audio category को काफी focus करने की plan कर रहे थे इस साल का. In fact, कुछ ordering हो भी गई थी China में, कुछ चल रही है, कुछ R&D चल रही थी, कुछ तो it was complete cycle was going on. Sukesh, इस समय आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग घर में हैं, क्योंकि सब लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, तो audio products का use कहीं ना कहीं बढ़ गया है, चाहे वो earphones हो, speakers हो. As a company, जो audio segment में इसकी एक strong presence है, क्या ये थोड़ा सा frustrating भी है कि आप अभी products बेच नहीं सकते हैं जबकि आपको दिख रहा है कि demand है? Absolutely. So ये आपने बिल्कुल वो कहते हैं ना, हमारे वो दुखती रख पे हाथ रख दिया. तो बिल्कुल, you know, of course ये frustrating है कि इस time लोगों को, मतलब खुद को, मतलब मैं अपने घर में ही देखता हूँ, तो हम लोग पहले जो काम दो डिवाइसेस से हो जाता था, अभी हर एक को वो डिवाइस चाहिए, सेपरेटली डिवाइसेस चाहिए. हर आदमी का इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट है, अभी टाइम भी है एंटरटेनमेंट के लिए, तो सबको डिवाइसेस चाहिए. ऑफ कोर्स ये मार्केट इस टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इन प्रोडक्ट्स को, पीपल आर लुकिंग फॉर दिस, बट देन ऑन द हाइंडसाइड ऐसी डिमांड हमें नहीं चाहिए, मतलब ये डिमांड नहीं आए दोबारा तो ऐसा है. पीपल आई कैन जस्ट होप कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, पीपल लोगों को लगेगा कि शायद हमें ऐसे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, और वो डिमांड कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होगी. क्योंकि जैसे आप देखिए कि टिपिकली ऐसे टफ टाइम में जब आप निकलते हैं, तो कुछ ना कुछ लर्निंग्स आप साथ लेके निकलते हैं. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल, जैसे आप हो सकता है हम लोग सब हाइजीन का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दें, या हम लोग सब शायद सैनिटाइजर्स का या फेस मास्क का एज अ प्रोसेस, एज अ रूल बन जाए हमारी लाइफ का, एक एक्सेसरी बन जाए, हो सकता है फेस मास्क. कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाएंगे हम फेस मास्क लगाएंगे. इनफैक्ट देयर आर जोक्स गोइंग अराउंड कि शायद ब्रांडेड फेस मास्क आने शुरू हो जाएंगे बाय द टाइम दिस इवेंट दिस थिंग विल एंड. सो सिमिलरली मुझे लगता है कि इसके बाद शायद लोगों को लगेगा कि हमें इन डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आई थिंक दैट डिमांड शुड कैरी फॉरवर्ड. इनफैक्ट इसी में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब ये कोरोना वायरस का आउटब्रेक शुरू हुआ था, आने लगा कि आपको अपने हाथ धोने चाहिए 20 सेकंड तक, and everybody was washing their hands, and I was like, यार ये बीमारी आने की जरूरत नहीं थी हाथ धोने के लिए, तुम वैसे भी धो सकते थे. Absolutely. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. मतलब अभी बिल्कुल, मतलब सैनिटाइजर्स की एकदम इतनी डिमांड बढ़ गई, हम लोग सब डेटा पॉइंट्स देखते रहते हैं, तो मतलब ऐसा क्यों, मतलब why do we need someone कि हमें पुश करें इन चीजों के लिए, तब हम सीखेंगे. Exactly. आप वैसे भी इसके लिए थोड़ा सा अवेयर हो सकते हैं. जब ये चीज सिचुएशन इम्प्रूव होती है, लॉकडाउन हटता है, पहली चीज क्या करना चाहेंगे आप? Oops. लिस्ट काफी बड़ी है एक्चुअली, बट आई थिंक सबसे पहले आई रियली वांट टू सी माय टीम. मतलब मैं आई एम लिटिल हंग्री टू मीट देम पर से, यू नो, एक आई थिंक अब होपफुली जब वो लॉकडाउन हटेगा, उसका मतलब ये भी होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो सकती होगी. होपफुली थिंग्स विल बी बेटर एट दैट टाइम. सो आई रियली वांट टू टेक माय टीम आउट फॉर अ लंच. वी रियली वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विदाउट टॉकिंग बिजनेस. तो एज अ ब्रांड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्लॉकपंक से जब चीजें इंप्रूव होती हैं?
सी एज अ ब्रांड हम लोग चीजें इंप्रूव होती है, आप हमसे अच्छे बहुत बेटर प्रोडक्ट फॉर श्योर आप डिमांड कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हम लोग ऑनेस्टली ऑन द अदर साइड हम लोगों ने अपने सिस्टम प्रोसेसेस को वी हैव यूटिलाइज दिस टाइम कि हम अपने सिस्टम प्रोसेसेस को कस्टमर सपोर्ट को कैसे और ऑटोमेट कर सकते हैं, तो हम वो भी कर रहे हैं. एंड हम अपनी ई कॉम स्टार्ट साइट हम अपने वेबसाइट से बेचना हमारे काफी एजेंडा में था, बट काफी दिनों से वो बैकफुट पे था. So that's another thing which we are utilizing this time to build up. So hamari I think by the time ye lockdown khatam hoga hamara e-com khud ka bhi enable ho jayega, to hum log wahan se directly apne customer ko reach out kar payenge. And hum hamesha aapke liye aapki seva mein tatpar hai. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुकेश आपका हमसे जुड़ने के लिए. आज नेटवर्क ने हमें काफी परेशान किया है, तो अपने व्यूअर्स को बोल दूंगा थोड़ा बहुत ऑडियो डिस्टॉर्ट होती है, तो यार प्लीज बेयर विद अस. बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके पास अच्छे से अच्छे इंटरव्यूज लेके आने का डिस्पाइट द चैलेंजेस. सुकेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम उम्मीद करते हैं जल्दी से सिचुएशन इंप्रूव हो और आप एक बार फिर से अपने ऑपरेशंस को नॉर्मल तरीके से शुरू कर पाए, और मैं आपसे बहुत जल्दी फिर मिलूंगा, होपफुली नेक्स्ट टाइम वर्चुअली नहीं हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे. एब्सोल्युटली बिल्कुल मानस, यू लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. नाइस मीटिंग यू.